नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का समय हो गया, लेकिन 6 ही बज गए हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था, आज मैं गई थी बाज़ार और आके बस फिर अभी मैं करवा के आई हूँ फेसियल। फेसियल करवाने गई थी, मैंने सोचा चलो साथ साथ ही अभी काम करवा लूँ। वैसा तो मैं करवाती नहीं, आपको पता ही है, कहीं शादी वगैरह हो या फिर जैसा कोई स्पेशल डे हो तब जाकर मैं करवा लेती हूँ। और अभी मैं करवा के आई, पता नहीं कैसा रहा रिजल्ट, वो तो कल पता चलेगा कैसा आया रिजल्ट। लग रहा कुछ फर्क सा है? लग रहा क्या कुछ फर्क सा कलर में मेरे? सोनी दिखा है तो चाहे कुछ भी नहीं करा करा। अच्छा तो अभी मैं करवा के आई हूँ फेसियल। थ्रेडिंग में पहले ही करवाया आई थी सुबह के टाइम। और इधर देखिए, दोनों बापू बेटों की चल रही है पार्टी, मैंगो पार्टी है। हम अभी दे दो, हम अभी पूछ ले करो, कप ही खा लो दोनों। कह दिया तो खा ला जा, अन्नी वैसे तो कहाँ के हैं। तो मुझे अभी करनी है पैकिंग। सबसे पहले तो पैकिंग बाद में करूँगी, सबसे पहले कपड़े उठा कर रखूँगी। कल के धुले पड़े, बहुत सारे पड़े, तो मैं उठा कर रखूँगी यहाँ के यहाँ, जो ले जाने में अलग निकाल लूँगी। और बाकी जो कपड़े हैं ले जाने के, मैं मुझे करने हैं प्रेस। प्रेस के लिए देऊँगी वे कपड़े, ना देऊँगी नहीं करूँगी, अपने आप ही जो ले जाने। और एक साड़ी करवानी थी मुझे प्रेस, आप दे आओगे एक साड़ी मेरी? प्रेस अपने आप कर लेना, साड़ी पर नहीं होने की, और कपड़ों पर तो कर लूँगी मैं अपने आप। तो तुम नु बता रहे जानो, मैं खाली बैठी सवेरे तक, तो आपको पता मेरी रेल बन रही। अरे वो दे जानो पर तो ना जानो, वो कपड़े लिया वो जाने हैं, हम ही तो नहीं जानते उसे, वो तो जाने हैं। मैं मुझे एक साड़ी प्रेस करवानी, बस एक ही करवानी, ज़्यादा नहीं। तो साड़ी में प्रेस करो नहीं देऊंगी, बाकी तो मैं कपड़े यहीं कर लूँगी अपने आप। तो मैं देखती हूँ, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो सामान आज मैं लेके आई थी। पहले भी नहीं दिखा पाई, बस जल्दी जल्दी मैं हो रहा, ज़्यादा सामान नहीं लाई। एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, लाई थी ड्रेस। ड्रेस अपनी लेके आई जो मुझे पहननी, वो भी मैं दुकान पर दे आई तैयार होने के लिए। वो भी नहीं अब आपको दिखने की, वो भी जब आ जाएगी रेडी होकर तब दिखेगी। और बच्चों के भी बनने लग रही, रेडीमेड में किसी की नहीं लाई, ना अपनी लाई ना बच्चों की, सारी बन के तैयार होंगी। कपड़ा लेके आए वो वहाँ पे बनेगी, तो जब आ जाएगी जब दिखाऊंगी मैं उनको। तो बस उनके साथ की मतलब थोड़ी ज्वेलरी वगैरह या फिर जो सामान मुझे ज़रूरत था वो मैं लेके आई, बैंगल्स वगैरह। तो मैंने वैसे, मैं आपको ऑप्शन में बता दूँ, मैंने साड़ी खरीदी, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा, कौन सी खरीदी वो आपको बाद में पता चलेगा, दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा। तो छोटा मोटा सा ही सामान लेके आई बच्चों के लिए। एक तो ईशू का लेके आई है हेयर बैंड, या ईशू देख मैं तेरा हेयर बैंड लेके आई, देखिए ये वाला, जैसा खुले बालों में भी लगा दो ना, ये यही चाहिए था ना तुझे, तो ये वाला, फिर ये बाल बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुलों में ही लगा दो, अच्छा लगेगा, है ना। एक तो ईशू का ये लेके आई, अपने लिए लेके आई है इयर रिंग पहनने के लिए, ही पीछे ना कान पर लगाए जा, क्योंकि मेरे ये जो छेद है कान के ये बहुत बड़े हो रहे, तो इसमें जो भी पहनती हूँ ऐसे लटक सी जाते हैं, तो इससे वो होने के नहीं। ये इसमें मैंने यूज नहीं करी, फर्स्ट टाइम यूज करूँगी, ये ऐसी आ रही इसमें ये, तो ये इस तरीके से इस पर लिख रहा पीछे, जैसे यूज करनी वो करूँगी मैं, तो ये इसका मतलब ऐसा लटकने के नहीं। और क्या लाई? और लाई बैंगल्स अपनी साड़ी के साथ की, इनमें ये मैचिंग करनी, कुछ है मेरे पास कुछ मैं लेके आई ये सिल्वर कलर में, क्योंकि जो वर्क है सिल्वर कलर का तो वो ले आई। और यहाँ पे एक जोड़ी लाई इयररिंग, ये देखो ये बिल्कुल सोने के, क्या ना वो है, खोए जा तो गम नहीं वो कहते नहीं, सोने तो गम नहीं और खोए जा तो गम नहीं, वो है ये देखिए। और इनमें सबसे बड़ी बात, ये ना बाली वाले हैं, ये टॉप्स वाले नहीं, तो ये आराम से पहनने जाएंगे, क्योंकि गोल्ड के अब पहनने नहीं जाते, आपको पता ही है शादी ब्याह में। और इनको रोज में भी पहन लो, ये गारंटी के हैं, इनकी पॉलिश नहीं उतरेगी ये। और दो तीन लाई में बच्चों के लिए रिंग वगैरह, ये तो हर बार ही आ जाती है, फिर गुम हो जाए, इतना दोबारा जाने का नंबर हो ना कहीं से, इतना हो जाए। और ईशू के ये रिंग नहीं मिले, ये लाई ईशू के लिए मैं टिक्का, ये छोटा सा,
एक है इशू, ऐसा ही चाहिए था ना तुझे। हाँ, और ये एक रिंग अपनी लाई, एक रिंग ये इशू की लाई, और एक ये मैं गुड्डू की लाई, तीनों की एक का क्या है। ये डालिए इशू इसमें लिफाफे में, और ये भी छोटा छोटा सा ही सामान ले आई, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक ईयर रिंग में लाई है गुड्डू के, थोड़े बड़े सही आ गए उसके हिसाब से। असल में जो उसकी ड्रेस ली में बनने लग रही वो थोड़ा इस कलर की है, तो इस कलर में छोटे नहीं मिले, मैंने देखे भी काफ़ी सारे, बड़े ही मिले तो ये लाई मैं उसके। फिर ये है कि खाली मतलब नेकलेस वगैरह नहीं पहनेगी, अगर ईयर रिंग पहनेगी तो अच्छे लगेंगे, तो ये लेके आई मैं इसके। और एक मैं अपने लिए लाई है क्लच, ये वाला ऐसे, ये इस तरह लग जाएगा ना बालों में ऐसे, तो ये मैं अपने लिए लेके आई, चाहे बच्चों का लगा दूँ या मैं लगा लूँ, देखती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें क्या हुआ है, बाल नहीं आते, तो इस बार मैंने लगा के देखा आगे थे, तो देखती हूँ अगर आ जाएंगे तो। और एक लाई नेल रिमूवर, ये सबसे जरूरी था मेरे लिए, ईशु इसा 2 दिन में खर्च कर देगी है, ईशु और कृष्णा के हफ्ता लग गया तो 1 दिन में ही। और एक लाई गुड्डू के लिए ये सीरीज बालों में लगाने की, चाहे मैं लगा लूँ या गुड्डू दोनों को, ये वाले ईशु की, ईशु का ये हो गया और ये गुड्डू का हो गया, ठीक है, दोनों बहनों का हो गया, ये भी गुड्डू की। और क्या लाई, ये लाई रबड़ी की चोटी बनाने के लिए, मोटी मोटी जैसा एक वो बना दो ना ऊपर, इसके लिए 4 रबड़। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी मैं लेके आई अपना नेकलेस ये ना मैं ले नहीं रही थी, असल में थे बहुत सारे, थे क्या मैं हिंदू से लेके आई, मेरे पास भी हैं, लेकिन जो मेरी ड्रेस है उस पर वो कोई भी मैच नहीं करते, इस वजह से ये फिर मुझे लेना पड़ा। तो ये है मेरा नेकलेस, ये लेके आई, हैवी है काफ़ी, और मैंने ये पहन के भी देखा था, अच्छा लग रहा था इसमें, ये भी टिक्का भी है, इयररिंग भी है, और ये गले का भी है, तो ये है इसमें सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी बात इसका ये है कि कोई भी कलर की इस पर ड्रेस पहन लो, सब पे ये चल जाएगा, ये नहीं आएगी इस कलर की है उस कलर की, अगर कलर वाला लेते हैं ना हम फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये किसी पे भी हमारा चल जाएगा, इस वजह से मैंने थोड़ा ऐसा करके लिया। हाल तो ये होता है कितना ही ले लो, फिर जब दोबारा कहीं पहनना फिर दूसरा ही लेना पड़े, ये हो जाता है। तो यहाँ तो बस यही लाई ना सामान, और ये है गुड्डू की जुत्ती, गुड्डू क्या, गुड्डू शूज वगैरह ही ज़्यादा पहनती है, और जुत्ती जाती थी भी नहीं उस पर, बहुत पुरानी थी, तो ये मैं उसकी जुत्ती लेके आई, देखिए कैसी लग रही, कमेंट करके बताना। तो बस यही था आज का जो सामान था हमारा, बाकी मैं मतलब जो कपड़े हैं वो ही आए, कपड़े बनने लग रहे, जब बन के आ जाएंगे तब आपको दिखा दूँगी अगर टाइम रहा तो, क्योंकि हमें कल जाना जल्दबाजी में ही रहेगा सारा काम, अभी मुझे बच्चों की कटिंग वगैरह भी करवानी, वो भी नहीं करवाई, तो वो भी शायद कल ही होगी, अब 6 बज गए, अगर पैकिंग भी करनी तो वो सुबह करवाओगे, तो यहाँ पे बस इनको पैक, इनको रख दूँ और कपड़े करती हूँ। देखिए जी, बस जो घर का काम था, मतलब ये कपड़े घर के ही थे सारे, धुले हुए रखे थे, मैं कहा चलो इनको भी कर दूँ, क्योंकि ये भी फिर ऐसे ही पड़ेंगे, और कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो इनमें से लेके जाने हैं, तो प्रेस के मैंने साइड निकाल दिए। और गुड्डू के पापा को जाना है मार्केट में, कह रहे कि कितनी देर में चलेगी, मैं कहा चलो ये थोड़ा सा कर लूँ फिर चलूँगी, क्योंकि अभी इनके कपड़े लेने रह गए, हमारी तीनों की तो होगी शॉपिंग, मेरी भी, गुड्डू की भी, और इसके ईशू की भी, बस इसके पापा रह गए। हालांकि हमेशा ये क्या करते हैं, जैसा इनको बोलती रहूँगी कि आप कर लो शॉपिंग, ले आओ कपड़े, तो कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत है, हमें दिलवाते रहते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम कर लो तुम कर लो, फिर मैं बोलती हूँ, मैंने बोल दिया, मैंने कहा जब आप नहीं लेते हर बार ऐसे ही चल देते हो, मैं कहा जब आप नहीं लेते तो इस बार हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर जब जाके लाए ये कपड़े, तो यहाँ पे बस जो कपड़े थे वो तय कर दिए मैंने, रख दिए प्रेस के साइड रख दिए, और ये थे प्रेस के नए कपड़े, प्रेस तो मतलब हो रही थी सलवट से आई जाते हैं, मगर वहाँ पे तो टाइम नहीं लगने का, तो मैंने सोचा चलो इनको अभी मैं प्रेस करके रख देती हूँ, जो ले जाने मेरे ही हैं ये कपड़े ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों के तो अभी बनने लग रहे, कुछ हैं एक दो वो भी इनके पैंट वगैरह वो प्रेस कर दूँगी, तो यहाँ सारे कपड़े कर देती हूँ प्रेस।
तो फ्रेंड्स अभी मेरा प्रेस वगैरह का काम तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कपड़े रखने रह रहे बाकी। अभी फिर से मुझे जाना है बाजार गुड्डू के पापा के साथ, क्योंकि इनको भी अपने कपड़े लेके आने, तो ये जा भी नहीं रहे थे। मैं ही कह रही, मैं कहा नहीं ले लो आप भी, तो अब मैं इनके साथ जा रही। मैं कहा चलो ले आऊंगे, चलो। तो हम आ गए जी मोंटे कार्लो, यहाँ से ही लेंगे, क्योंकि जेंट्स कपड़े ज़्यादातर हम यहीं से ही लेते हैं। हम आ गए थे शॉपिंग करके, इसके पापा के कपड़े ले आए हैं और यहाँ पे देखा खाना भी लेके आ गए, क्योंकि 9 बज गए और एकदम मेरे में हिम्मत नहीं है, अभी मुझे कपड़े भी लगाने हैं तो हिम्मत नहीं है, बहुत थक गई सुबह से भागम भाग हो रही। तो अभी खाना बस बाहर से ही ले गए आए इसके पापा। क्या लाए? दाल रोटी है, दाल रोटी ले गए आए। अरे ईशू तो खुश हो गए है, ईशू बाहर का खाना आया है, बाहर का खाने का दाल तो अच्छी लगती है, राजमा नहीं अच्छा लगता। सब्जी घर की खा ले, घर की तो बच रही बेटा। नहीं खा ले जी, तुझे बाहर की नहीं बढ़िया लगती। तो यहाँ जी हम भी खा लेते हैं खाना बस। तो यहाँ पे देखिए जी, बस खाना खुना हमारा हो गया, अब हो गई है पैकिंग शुरू। आज मैं 3 बार बैठ गई पैकिंग करने, लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ काम निकल ही रहा है। और यहाँ पे देखिए कपड़े पैक करने शुरू कर दिए, बच्चों को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा बता दो कौन कौन से रखने, तो वो अपने निकाल रहे, मैंने तो अपने निकाल ही लिए थे। बाकी जैसा गुड्डू है, गुड्डू अपनी ज्वेलरी वगैरह मतलब बैंगल्स वगैरह जो भी इसको पहनना है या फिर मेरे लिए भी, वो निकाल रही है, उधर वो सेट कर रही है, और मैं इधर रख रही हूँ कपड़े लगा के, जो हो गए तैयार मैं कहा चलो वो रख लेती हूँ, बाकी तो ये होगा कि जो जब आ जाएंगे तब रख लूँगी साथ साथ उनकी, साथ की पता तो है ही कौन से कपड़े लेके जाने, तो उनकी साथ की जो बैंगल्स वगैरह मेरी मैं सारी वो रख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो सूटकेस है, ये मैं फर्स्ट टाइम ले जा रही, ये मेरे भाई ने दिया था मुझे, छोटे वाले ने, और मुझे लग रहा है 1 साल पहले दिया था, तो ये ऐसे ही रखा, अभी तक मैंने ये यूज नहीं करा था, तो मैंने सोचा ये ठीक रहेगा, इस बार शादी वगैरह के कपड़े इसमें मतलब हिलने के नहीं, बिल्कुल ठीक रहेंगे, तो इसी में ही मैंने सारे कपड़े लगा लिए। उसके बाद फिर मैं रखूँगी अपनी ये ज्वेलरी वगैरह, और ये फिर मुझे बीच में ही छोड़ने पड़े, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं ना थक सी गई थी, क्योंकि सुबह से ही आज भाग दौड़ पूरी हो रही थी, और इस वजह से तो जितनी हुई मैंने रख ली, बाकी फिर मैं कल करूँगी। तो फ्रेंड्स जो पैकिंग करनी थी मैंने कर ली, रह रही अभी बीच में ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी बस मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा, मेरे से और हो नहीं रहा कुछ भी, सिर में भी दर्द हो गया और माइंड परेशान सा हो रहा बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अब मेरे पास कुछ नहीं हो रहा। बाकी जितने कपड़े मेरे थे यहाँ पे रख दिए, कुछ बन कर नहीं आए, मेरे भी बच्चों के भी मैं नहीं आए, कल आएंगे, मैं जब ही रखूँगी मैं। अभी कुछ हमने रख ली ज्वेलरी वगैरह, चूड़ी रह रही, चूड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सी रखूँ कौन सी नहीं, तो बस मैंने सोचा इसे यहीं छोड़ देती हूँ, सुबह ही करूँगी, तो बस जितना हुआ कर लिया, सुबह ही देखती हूँ कैसा करना, अभी अगर और करूँगी तो दिमाग परेशान ज़्यादा हो जाएगा, और 10:30 हो गए, ये भी लेट गए हैं तीनों, मैं कहा चलो तुम लेट जाओ, मैं लगी रही थी, लेकिन अभी बस मैं, मेरा भी लेटने का ही है कि लेट ही जाऊँ, पूरा दिन हो गया ना आज भाग दौड़ करते हुए, भागम भाग ही हो रहा। तो बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।